गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का गुवाहाटी में स्टे ख़त्म होने वाला है और हम लोग निकलने वाले हैं दिरांग के लिए। दिरांग और बोमडिला आसपास है, तो दिरांग में हम लोग होटल बुक किए हैं। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम लोग जयगांव के रास्ते जाएंगे, बालमकुंग के रास्ते नहीं जा रहे हैं। 7 बज रहे हैं, निकलते निकलते लगभग 8 बज जाएंगे। और आज ही के रूट में जो है हम लोग असम को क्रॉस करके पहुंचेंगे अरुणाचल में। तो आज हम लोग को ILP की ज़रूरत पड़ेगी, इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा का पूरा रूम एकदम अस्त व्यस्त हुआ है। होटल में एक दिन रुकने के बाद जो गंध मच जाती है, एक एक सामान पूरा का पूरा बिखर जाता है। फिर उसको पहले तो अनरैप करने में तो टाइम नहीं लगता, जो आवश्यकता है फटाफट निकाल लो, लेकिन फिर पैक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले लगा लेते हैं मैप, क्योंकि भाई अनजान शहर में मैप कितना काम आता है अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे गुवाहाटी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं दिरांग के लिए। हम लोग का टारगेट 300 किलोमीटर का हम लोग जा रहे हैं भैरवकुंडा के रास्ते, और अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान था, लेकिन हर बार यार हो जाता है लेट। सो अभी हम लोग उदलगुरी रोड पर हैं, सब्बन गाँव के आसपास। और इस गाँव के आसपास का जो नज़ारा है यार, वो बहुत ही बेहतरीन है। बेहतरीन इस मामले है कि जब इस रोड से आप जाएंगे तो दोनों तरफ आपको ज़बरदस्त वाली ग्रीनरी दिखाई देगी, और इस तरह आपको प्लांटेड जो है बनाना, पाम के ट्री, बाम्बू, ये सब दिखाई देंगे। तो मतलब रोड तो आप स्मूथ है, आप 50-60 आराम से चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगल बगल का जो नज़ारा है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि आप जो है 30 की स्पीड से ऊपर जाते नहीं हो, अगल बगल आप जो है वो देखते ही रहते हो। एक मेरा परसेप्शन ये था कि हम लोग जब बोमडिला जाएंगे गुवाहाटी से, तो ये बिल्कुल रिमोट एरिया होगा, ऑफ बीट डेस्टिनेशन होगा। यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, स्पेयर पार्ट्स, बाइक की मेंटेनेंस और फूडी वूडी की दिक्कत होगी। लेकिन जब मैं इस रोड पे आया तो गुवाहाटी से यार शुरू के जो कुछ किलोमीटर्स थे, मतलब 100 किलोमीटर के आसपास जो था ना, वो तो बहुत बिजी था। मतलब हम लोग के प्लेन एरिया में जैसा होता था ना, मुश्किल से आपको कहीं खाली जगह मिलता था, लेकिन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करने के बाद बिल्कुल नज़ारा बदल गया। नज़ारा बदलने का मतलब ये है, उतना मतलब पॉपुलेशन फिर नहीं दिख रहा है, और ग्रीनरी ज़्यादा दिख रही है, नेचर फ्रेंडली लोग इधर ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ कम है इधर, और सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया गया। ऐसा नहीं कि होता ना नेचुरल तरीके से फॉरेस्ट ग्रो कर गया, वो वैसे ही पड़ा हुआ, लेकिन ये जो है बिल्कुल वेल प्लांटेड जो है वो लगता है, मैनेज तरीके से उसको जो है लगाया गया है पेड़ों को, ऐसा यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो क्रिसमस की तैयारी दिख रही है। सो अब बात करते हैं इस रोड पे असिस्टेंट की, तो आपको पेट्रोल पंप भी ठीक ठाक मिल जाएंगे, बाइक रिपेयर का भी सामान मिल जाएगा, बाकी जो भी आपको ख़रीदना हो खाने पीने का सामान बहुत आसानी से मिल जाएगा। रास्ता ठीक है क्या? ये कौन सी जगह है? हा? ये भैरवकुंडा अरुणाचल कितना दूर बाद आ जाएगा? अच्छा, उधर क्या परमिट वर्मिट चेक होगा क्या? उधर कहाँ होगा? ब्रिज पार होके ब्रिज मिलेगा, ब्रिज पार होके अरुणाचल मिलेगा, लेकिन यहाँ पास चेक नहीं होगा, थोड़ा आगे होगा। अच्छा, ये ब्रिज के बाद अरुणाचल है, लेकिन पास आगे चेक होगा। ये भैरवकुंडा है, जाके रास्ता मिलेगा इधर। हाँ, वो जो जाएगा अरुणाचल जाएगा, वो जो जाएगा भूटान जाएगा। अच्छा, राइट वाला अरुणाचल जाएगा, लेफ्ट वाला भूटान जाएगा। लेफ्ट वाला भूटान कितना दूर होगा यहाँ से? अच्छा, जब लोग भैरवकुंडा से बोमडिला के लिए जा रहे थे तो आगे 3 रास्ता था, तिराहा था। आप लेफ्ट लेंगे तो लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही भूटान का गेट दिखता है, मतलब इंडिया का गेट है, उसके बाद जो है वो भूटान का गेट दिखता है। और राइट जाएंगे तो आप अरुणाचल की तरफ चले जाएंगे। तो हम लोग आ गए भूटान गेट की तरफ, और यहाँ पे कुछ खास फॉर्मेलिटी नहीं है इंडिया गेट पे, केवल और केवल आप जो है अपना बाइक RC पेपर दिखाइए, तो जो इन दोनों बॉर्डर के गेट के बीच का ट्रांजिशन का फेज है उसमें आ जाएंगे। फिर भूटान गेट पे आएंगे, वहाँ अपनी वोटर ID दिखा के आप अंदर जा सकते हैं। अंदर अगर आपका पूरा भूटान का परमिट नहीं है तो अंदर हैंगिंग ब्रिज और शिव मंदिर है, वो सब घूम के आ सकते हैं। पेट्रोल का प्राइस की अगर बात की जाए तो काफ़ी डिफरेंस है। इंडिया में जहाँ 98 से 100 रुपये पेट्रोल का प्राइस है, वहीं भूटान में 80 रुपीज़ है, तो पर लीटर 20 रुपये का डिफरेंस है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, परमिट बनवा के अंदर जाते हैं, पेट्रोल फ्यूल कराते हैं और फिर वापस चले आते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन हम लोग
पहले ही अभी जस्ट पेट्रोल फुल करा लिए थे तो लगभग दोनों बाइक का मिला के 400 का घाटा हो गया, नहीं तो हम लोग पेट्रोल फुल करा के आते। हम लोग भूटान बॉर्डर क्रॉस करके वापस जा रहे हैं इंडिया बॉर्डर की तरफ, और इंडिया बॉर्डर और भूटान बॉर्डर के बीच में जो ट्रांजिशन का स्पेस है वो 100 मीटर के आसपास है। तो इंडिया बॉर्डर से जब आप एंट्री करेंगे, जैसे ये जो सामने वाला बॉर्डर दिख रहा है ये इंडिया बॉर्डर है, तो यहाँ से जब हम लोगों ने एंट्री किया तो हम लोग को बाइक का केवल आरसी पेपर दिखाना पड़ा। आरसी पेपर दिखा के एक उन्होंने सीरियल नंबर इशू किया, बता दिए हो सीरियल नंबर इशू किया, जैसे मेरा सीरियल नंबर था 116, और फिर आप उससे एंट्री कर सकते हैं। अंदर जब भूटान बॉर्डर में जाएंगे तो वहाँ आपको देना पड़ेगा अपना वोटर कार्ड, उससे आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री आपको लगभग वहाँ से 200 मीटर के आसपास, 300 मीटर के आसपास जो है ये तिराहा, पहले बात किया जाए ये भैरवकुंडा जाएगा, इधर हम लोग जा रहे हैं भूटान बॉर्डर की तरफ से, और हम लोग भूटान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, और ये वाला जो रास्ता है ये आपका सीधे जाएगा अरुणाचल। जो पेट्रोल पंप है वो है वहाँ पे 80 रुपीज़ पर लीटर है पेट्रोल, तो पर लीटर आपका 20 रुपये बचेंगे। अगर 12-13 लीटर की टंकी आप फुल करवा रहे हो ना तो वो हो जाएगा आपका 240-250 जो है आपका। और ये एक खूबसूरत सा ब्रिज, और इस ब्रिज के बाद से ही आपका अरुणाचल शुरू हो जाएगा। तो वहाँ फ्यूलिंग करा सकते हो, आगे एक मंदिर है वो घूम सकते हो भूटान के अंदर, और हैंगिंग ब्रिज ये घूम सकते हो। उसके आगे जो है चेक पोस्ट पे आपको रोक दिया जाएगा, इसके आगे जो है आपको प्रॉपर भूटान के अंदर का परमिट चाहिए होगा, ऐसे केवल वोटर आईडी से आप नहीं जा सकते। अब यहाँ से अपने को जाना किधर है, थोड़ा सा राइट और उसके बाद जो है लेफ्ट, मुझे लगता है ये जो चेक पोस्ट है ये अरुणाचल वाला चेक पोस्ट है, ऐसा प्रॉपर दिख रहा है वो अरुणाचल वाला चेक पोस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6-7 बजते हैं ना, वैसा लग रहा है। और जो टेरेन है वो डिफरेंट वाला टेरेन दिखना शुरू हो गया है, उबड़ खाबड़ रास्ते। अगर ऐसा ही रास्ता रहा तो भाई 170 किलोमीटर कवर करने में 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। ओ ऑफ रोडिंग यहीं से शुरू हो गई भाई, तवांग वाली। अभी मैंने ग्लव्स निकाल रखा क्योंकि बॉर्डर पे बार बार जो है पेपर दिखाने के चक्कर में ग्लव्स निकाल के रखा था, तो ऐसे ही गाड़ी हम लोग स्टार्ट कर लिए। मुझे लगता है कि अब टाइम है ग्लव्स पहन लेना चाहिए। ओह शिट, फिसलते फिसलते बचा भाई यहाँ पे। और ये जो ऑफिस देख रहे हैं यहाँ पे आईएलपी अपनी होने वाली है चेक। यहाँ पे आपकी गाड़ी, आपका नाम, आपका जो है एक कार्ड और जो आईएलपी है वो जस्ट शो करना है। यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे बहुत हार्ड एंड वो नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद कनेक्ट हो जाएगा भाई। चेक पोस्ट के बाद 2 रास्ते थे, एक राइट एक लेफ्ट, तो उसमें कन्फ्यूजन था, मैप पे दोनों रास्ता शो कर रहा था, तो भाई ये रास्ता जो अभी भी गद्दा वाला रास्ता ये 2 किलोमीटर बाद जो है हाईवे में कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, भाई लोग बता रहे कि आगे रास्ता जो है वो अच्छा है। ओवरऑल जो हाईवे वो बहुत अच्छा है, जो प्रॉब्लम है वो है कि जो टर्न है वो बहुत साफ टर्न है, तो मतलब बहुत ही केयरफुली आप चलाएंगे, स्पीड आप गाड़ी की ले नहीं सकते क्योंकि तुरंत तुरंत आपके टर्न आ जाएंगे। लेकिन रोड जो है वो बिल्कुल बटर स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रोड पे जो स्लोगन लिखे होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जैसे अभी स्लोगन लिखा था रोड इज़ हिली डोंट ड्राइव सिली, बढ़िया ना। और एक सेक्सी वाला स्लोगन था इसके पहले कि ड्राइव स्लोली ऑन माई कर्व बिकॉज आई एम टू कर्वियस। भाई टू कर्वियस, सच्चे में बहुत कर्वियस है ये रोड, बहुत साफ साफ टर्न है।
अभी हम लोग पहुंच गए हैं कलकतांग वेस्ट की मांग में। भाई सुबह निकले थे बोमडिला के लिए, जल्दी पहुंचना है जल्दी पहुंचना है, तो सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किए थे और लंच भी नहीं हो पाया और बज गए साढ़े चार बजे। कितना अंधेरा ना कि आप क्या बताएं, 7-7:30 बजे वाला जो अंधेरा होता है अपने तरफ का, वो वाला अंधेरा है यहाँ पे 4:30 बजे। अब जब हम लोग कलकतांग का वेट करते आ रहे थे, भाई कलकतांग काफ़ी मतलब 40 किलोमीटर पहले से ही कलकतांग का जो बोर्ड मिलता था कि इतना किलोमीटर, तो मिला यार बड़ा मार्केट होगा, चलते हैं वहाँ पे कुछ खाना पीना खाएंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन कब वो पास कर लिया पता ही नहीं चला, 1-2 दुकानें रही होंगी वहाँ पे और छोटे मोटे वो जो ढाबे टाइप रहेंगे कुछ बंद थे, तो इसे पता ही नहीं चला। हम लोग आगे चले आए, अब ये हुआ कि भाई अब नहीं खाएंगे तो काम हो जाएगा ख़राब। इसकी वजह से एक छोटा सा ढाबा है हमारे पीछे, ये देखिए यहाँ पे हम लोग जो है कुछ खाना पीना करके फिर हम लोग बोमडिला के लिए आगे बढ़ेंगे। अब तक आते आते जहाँ गुवाहाटी में कुछ खास ठंडी नहीं थी, अच्छा खासा धूप था, आप नॉर्मल वाले जैकेट में काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अच्छी खासी ठंडी पड़ रही है। लेदर वाले जैकेट के अंदर भी पूरा का पूरा जो है वो ठंडी महसूस हो रहा है, तो पूरा का पूरा जो है लाइनर आपको लगा के अब चलना पड़ेगा विंड वाला और विंटर वाला। तो रात के 6 बज गए हैं और अभी जो ठंडी है एकदम बिल्कुल हाथ जो है वो सुन पड़ गए हैं, और अपने यहाँ जो 9-10 बजे वाला जो अंधेरा होता है ना वैसा अंधेरा यहाँ पे हो गया, क्योंकि 4 बजे अच्छा खासा अंधेरा हो गया था जो हम लोग यहाँ 7-7:30 बजे वाला होता है। तो अभी 6 बज रहे हैं लेकिन बहुत अंधेरा हो गया और ठंडी तो पूछो मत। भाई बाइक हम लोग चला रहे हैं ना तो हाथ बिल्कुल उस समय काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमें गाड़ी रोक के थोड़ा सा भाई हाथ हो थोड़ा सा हिला डुला लें, ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, थोड़ी पैकिंग पुकिंग थोड़ी सी और अच्छी कर लें, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। बोमडिला यहाँ से 35 किलोमीटर के आसपास है, तो वो 1-1.25 घंटे का रास्ता होगा, वहाँ थोड़ा सा चाय पानी करके हम लोग चलेंगे धीरांग, क्योंकि होटल जो है हम लोग धीरांग में बुक किए हैं। तो लेट नाइट तो जर्नी नहीं करना चाहिए पहाड़ों पर, लेकिन क्योंकि हम लोग का एक्सपेक्टेशन जो था कि भाई 5-6 बजे अंधेरा होगा तो हम लोग 7 बजे तक तो पहुंच जाएंगे, मतलब डीप जो है वो अंधेरा होते होते पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा था नहीं, यहाँ 4 बजे ही अंधेरा हो गया भाई, तो 3 घंटे तो अपने वैसे ही गड़बड़ हो गए। खैर चलते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा यार। सो रात के 7:30 बज गए हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं बोमडिला। यहाँ से अपन लोग का जो होटल बुक है वो धीरांग में। 7:30 बजे का जो माहौल है यहाँ पे बोमडिला में, सब दुकानें बंद हो गई हैं, खाने पीने की इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं, मतलब हमारे यहाँ जो रात में 10-11 बजे वाला माहौल होता है ना वो माहौल है यहाँ पे बोमडिला में। ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे ना भाप पूरी निकल रही है, हाथ बिल्कुल सुन पड़ गए हैं। तो तुरंत चलते हैं अंदर, गर्म पानी पीते हैं, थोड़ा सा थोड़ी गर्मी लाते हैं शरीर में, और ये अपनी दोनों गाड़ी जो इस पूरे के पूरे ट्रिप में हमारा साथी है। भाई अगर आप यहाँ पे चाय पी रहे हो और एक कप चाय जब तक आप आधा ख़त्म करोगे तब तक चाय पूरी की पूरी ठंडी हो चुकी होगी, तो फटाफट पीना है अगर गर्म चाय पीना है, नहीं तो फिर आपका पूरा का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और यहाँ पे बोमडिला में अभी शाम के 7:30 बजे का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री है, सो रात में ये जाएगा -1 के आसपास, लेकिन विंड काफ़ी है क्योंकि पहाड़ के ऊपर है हम लोग, तो 8 डिग्री वैसे भी काफ़ी कम होता है लेकिन विंड अधिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा कल तवांग में, क्योंकि अभी जितने ग्लव्स हम लोग लाए थे इनर ग्लव्स और जो ऊपर लेदर वाला ग्लव्स है वो पूरा का पूरा जो है वो उसमें हाथ पूरा सुन हो जा रहा है, तो आगे सेला और वो बुमला पे क्या होगा पता नहीं, बैंड बजने वाली है। फाइनली गए रात के 9:30 बजे हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा सुकून मिला क्योंकि होटल के रूम काफ़ी अच्छे हैं और मतलब ठंडी में बचने का सब व्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एक बेहतर बात थी। लेकिन जो हम लोग का ये जर्नी था ना वन ऑफ द टफेस्ट जर्नी था यार। हम लोग एक बार जब अरुणाचल में एंट्री किए तो रोड इतना गंदा था कि मुझे लगा कि यार आज एंट्री करने के बाद हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, हम लोग मतलब धीरांग नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन बाद में जो बटर स्मूथ रोड मिलेगा हम लोग 60-70 तक बहुत आराम से चलाते हुए आए। लेकिन अभी जो 9:30 बजे पहुंचे, लेकिन अपने यहाँ का लगता है ना जैसे 12-1 बजे होता है वैसा माहौल था, क्योंकि बाकी जितनी भी दुकानें थी सब पूरी की पूरी किनारे से बंद थी, वैसा वाला माहौल था। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं लेकिन लग रहा है कि यार कितना लेट हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन फाइनली रोड अच्छा मिला, हम लोग आसानी से आ गए। हम लोग जब इधर से आ रहे थे तो कोई भी मतलब उधर से गाड़ियाँ अपने को पास नहीं कर रही थी, इवन अपने साइड से छोड़ो रिटर्न 10-10 किलोमीटर हो जा रहा था कोई गाड़ी पास नहीं कर रही थी,
तो फाइनली वन आवर ठंडी भाई ठंडी बहुत ज़्यादा, हाथ पूरे सुन पड़ जा रहे थे। इसके आगे तो स्नो और ठंडी दोनों मिलेगी। और रोड पे क्या था, रोड पूरा भीगा हुआ था, तो ऐसे में कर पे बहुत बचा के चलना होता था, स्लाइड करने का हमेशा डर बना रहता। चलो अभी जल्दी से रैपअप करते हैं क्योंकि काफी लेट हो गया, सुबह जल्दी निकलना है। तो अभी का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाबा सी यू एंड गुड नाइट।